बीजेपी ने घर घर जाकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू किया। अभी तक नहीं हुई है प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी स्थानीय नेता सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर उनका तिलक कर रहे हैं स्वागत। बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी टोली बनाकर मोहल्ले मोहल्ले में निकले, ढपली बजाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। फिलहाल नेताओं ने लगा रखे हैं मास्क। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुट गई है। फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा और महानगर जिला अध्यक्ष राकेश शंखवार के नेतृत्व में अलग अलग मोहल्लों में टोलियां बनाकर उन लाभार्थियों के घर जा रहे हैं जिन्हें किसी न किसी योजना में सरकारी लाभ मिला है। एक कार्यकर्ता ढपली बजाकर कोंगो को आकर्षित कर रहा है। उसके बाद बेटा योगी और मोदी के नारों के साथ बीजेपी सरकार के किए गए कामों के बारे में बताकर उनका तिलक कर चरण छू रहे हैं। बीजेपी के सरकार के किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए नेता कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है और डर यह है कि कोरोना और आचार संहिता के नियमों उल्लंघन में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो जाए, इसलिए मास्क भी लगा रहे हैं तथा भीड़ भी कटी नहीं होने देते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी शहरी जो लगभग 40 लाख से भी ऊपर है, पूरे देश में नंबर एक, उनके द्वार पर हम लोग कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करते हुए सीमित संख्या में हम सब कार्यकर्ता जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन करते हुए लाभार्थियों के प्रति अपना आग्रह और अनुराग प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में मोदी जी और योगी जी को काम करने का अवसर मिला तो उन्हीं के पैसे को बचाकर, जनता के ही पैसे को बचाकर जनता के चरणों में अर्पित करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और लाभार्थियों के बीच में हम सब कार्यकर्ता के रूप में उनका वंदन करने जा रहे हैं, उनके प्रति अभिनंदन करने की भावना से जा रहे हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग इस बात से आह्लादित हैं कि आज़ादी के बाद से कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला कि जनता का पैसा जनता के लिए बचाकर देश के और प्रदेश के नेतृत्व ने इतनी बड़ी संख्या में उनको छत दी है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं के जहाँ पर काम होना बाकी है, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। उसी के तहत हम सब लोग जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिला गैस कनेक्शन का लाभार्थी, जितने भी लाभार्थी हैं सबसे एक दूर दूर जा करके संपर्क कर रहे हैं, उनका चंदन रोगी का तिलक लगा करके उनका सम्मान भी कर रहे हैं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के लिए वोट के लिए आग्रह कर रहे हैं कि माननीय प्रधान मोदी जी ने और माननीय योगी जी के द्वारा जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उन सब का हमको लाभ मिला है और हम सब लोग यदि आप लोगों के उसका खरे उतरे हों तो हमको पुनः फोन का बटन दबा करके पुनः सरकार बनाने में हमारा सहयोग करें, ऐसा हम सब लोगों से निवेदन करें।